Hello students, in this video let us solve example 4.1 from the textbook. I will read the question. A straight wire of mass 200 grams and length 1.5 meters carries a current of 2 amperes. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? So students, let us go ahead with the solution of example 4.1. It's a very very simple problem. बहुत ही simple problem है. Question में क्या 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 दिया है, एक बार पहले question को समझ लेते हैं. Question में ऐसे बताया है कि magnetic field जो है वो horizontal है, ऐसे horizontal to the earth surface. ये earth surface है, तो magnetic field ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो मैंने ऐसे बनाया है magnetic field. हमारा magnetic field board के अंदर ऐसे enter होता है, तो मैंने ये क्रॉस बनाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इन थ्रू द बोर्ड, तो इट इज हॉरिजॉन्टल. ऐसे होता तो वर्टिकल होता, ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा क्वेश्चन में बताया है. फिर हमको बोला है कि करंट आई 2 एम्पियर से, मान लो करंट ये डायरेक्शन में जाता है. तो एक बार फिर से राइट हैंड रूल जरा याद कर लो बच्चों. ये जो चार फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. थंब जो है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है. यहां पर करंट का डायरेक्शन है, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, वेलोसिटी करंट ऐसा है, तो फोर्स ऐसा होगा. तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करेगा. क्वेश्चन में ऐसे बोला है बच्चों कि वो जो रॉड है हवा में सस्पेंडेड रहता है. मजा आएगा, है ना, कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा. आप ये जादू कर सकते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखो और उसके अंदर एक लोखंड का रॉड रख दो. उस रॉड में करंट फ्लो होना चाहिए, तो वो ऐसे ही हवा में लटक जाएगा. लोग सोचते रहेंगे कैसे लटकता है. अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करने का, रॉड में करंट कैसे भेजने का, वो आप सोचते रहना. तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को इक्वल होने से रॉड ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, और सस्पेंडेड इन द एयर, ऐसा क्वेश्चन में बताया है. सो यू हैव एफ बी इज इक्वल टू एम जी. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी. कैसे आया, तो याद करो, एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. आई कैन राइट दिस एज आई एल बी साइन थीटा, बट थीटा इज 90 degrees, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. सो आई कैन सिंपली राइट आई एल बी इज इक्वल टू एम जी. हमको क्या ढूंढने का है, हमको बी ढूंढना है. सो बी इज इक्वल टू एम जी अपॉन आई एल. अब क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मास दिया है 200 grams, यानी कि 200 × 10⁻³ kg, तो 0.2 kg होता है. तो आई कैन राइट 0.2. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होती है 9.8. आई इज द करंट, करंट हमको दिया है 2 amperes, एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन एज 1.5 meters. अगर आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.65 tesla. ये सारी वैल्यूज SI यूनिट में है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी SI यूनिट में हम टेस्ला लिखेंगे. एकदम सिंपल प्रॉब्लम है. सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4.1. Next video, we will see example 4.2.